टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज 3। एक स्प्रिंग से लटका दिया मैं एक ब्लॉक को, ये एक स्प्रिंग है, इससे मैं एम ब्लॉक को लटका दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, टाइम पीरियड टी है। स्प्रिंग कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसके टुकड़े किए मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये, तो मैंने इसके टुकड़े कर डाले। कितने टुकड़े किए? 4। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर अलग अलग पीसेज होते हैं स्प्रिंग के, डॉट 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 एन पीस होता है, तो नया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो के डैश बनता है वो एन के बनता है, रेशियो से, प्रोपोर्शनलिटी से। नेड न्यू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एन पीस किया मैं, एक स्प्रिंग था उसके एन पीस किए, तो हर एक का पीस हो वो के डैश एन के होगा। तो यहाँ पर आपने कितने पीस किए? 4 किए, तो 4 के, दिस इज द न्यू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, हर एक स्प्रिंग इतना होगा। देन न्यू टाइम पीरियड, अब अगर एक छोटा स्प्रिंग से मैं ब्लॉक को लटकाऊं तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो यहाँ पर टाइम पीरियड 2πm/k था अंडर रूट, अब यहाँ पे एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड 2πm/k डैश अंडर रूट ये, और के डैश की जो वैल्यू है 2πm/, वो 4k के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 टाइम पीरियड, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू t/2, दैट इज सी ऑप्शन सही है ना। बेहतर तरीके से सॉल्व करो क्वेश्चन।